यूपी में बीजेपी 2022 के इलेक्शन मोड में आ चुकी है और इसे चुनाव से पहले सबसे बड़ा मिशन बना दिया है। यूपी में अगले साल मार्च में चुनाव होने हैं, 9 महीने बचे हैं, तो बीजेपी अपने मिशन 2022 के एक्शन प्लान में जुटी है। बीजेपी के यूपी फीडबैक का राउंड टू, मिशन 2022 के लिए क्या प्लानिंग, 9 महीने का टाइम, चुनौतियां तमाम। बीजेपी के मिशन यूपी की चुनौतियां क्या है, फीडबैक क्या है, चुनाव में 9 महीने बचे हैं, क्या प्लानिंग की जानी चाहिए। पिछले 20 दिन में दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ लगी है। 20 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। उनके साथ यूपी के प्रभारी राधामोहन सिंह भी लखनऊ में हैं। इन दोनों नेताओं की लखनऊ में पहली मीटिंग संघ के नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीएल संतोष और राधामोहन सिंह के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी थे। संघ के नेताओं से 3 घंटे की मीटिंग के बाद बीएल संतोष, राधामोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां दूसरी बड़ी मीटिंग हुई। इससे पहले कल रात में स्वतंत्र देव सिंह और बंसल साहब की एक बैठक हुई थी, जिसमें डिस्कशन हुआ था कि यहां पर क्या चीजें होनी है, और जो बीएल संतोष खुद आए हैं, राधामोहन सिंह खुद आए हैं, उनकी कल दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है कि इलेक्शंस में किस तरह से पार्टी जाएगी। ये मीटिंग पर मीटिंग, ये सियासी हलचल 1 महीने से यूपी की राजनीति में हावी है और इसी से यूपी में बीजेपी के चुनावी चैलेंज को भी समझा जा रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाई। खुद पार्टी के नेताओं ने शुरुआत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए थे। पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन औसत दर्जे का ही था। संगठन और सरकार में तालमेल पर सवाल उठे, संगठन में नाराजगी की बातें आईं, सरकार में जगह न मिलने से भी असंतोष की बातें थी। अब बीजेपी ने पूरा जोर इसी पर लगाया है कि जहां जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, करेक्शन किया जाए, जिससे समय रहते पूरी मजबूती के साथ मिशन 2022 में पार्टी जुट जाए। ये बात बीएल संतोष के पिछले दौरे पर भी उठी थी और इसी का नतीजा है कि फीडबैक के दूसरे राउंड से पहले उस फीडबैक पर अमल किया गया जो पिछले दौरे में मिला था। इसी के बाद पार्टी ने संगठन और सरकार में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी। संगठन में अलग अलग मोर्चे के नए अध्यक्ष बनाए गए, पार्टी ने यूपी की नई मीडिया टीम बना दी। सवाल ये है कि क्या कैबिनेट विस्तार भी होगा। इस 1 महीने में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तो बहुत थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे, लेकिन बाद में ये चर्चाएं इसलिए ठंडी पड़ गईं, क्योंकि जिन एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही थी, उन्हें बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर सब अटकलें खत्म कर दी गयी। लेकिन एक चिक-चिक इस बात पर जरूर हो रही है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के ही एक और बड़े मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चेहरे हैं और हमारी सरकार के मुखिया। 2022 के बाद क्या होगा तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वह केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है, माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं, और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तत्कालीन परिस्थितियां ही अंतिम निर्णय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन इन बातों से यूपी में सीएम पद की दावेदारी पर कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ही सबसे पावरफुल चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर यूपी बीजेपी खुद को 2022 के लिए तैयार कर रही है। फिलहाल फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन के मुद्दे से यूपी में बीजेपी प्रचार मोड में आ चुकी है। वैक्सीन लगाने के लिए बूथ स्तर तक के कैंपेन चल रहे हैं। दूसरा कैंपेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर है, जिसमें यूपी में अगले 3 महीने के लिए 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18
वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6,00,000 वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10,00,000 से 12,00,000 वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। इसी के सहारे बीजेपी मिशन 2022 में जुटी है और अपने प्रचार अभियान को अभी से शुरू कर दिया है। इसमें अगले महीने से और तेजी आने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार दौरे यूपी में होने वाले हैं और जल्द ही बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के लिए जरूरी ये है कि सरकार और संगठन के जो भी मुद्दे हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाए, इसलिए यूपी में फीडबैक के लिए दौरे किए जा रहे हैं। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।